नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन? इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर b टू द पावर 5 सी स्क्वायर एंड d। परसेंटेज एरर इन p इज, तो किसी एक्सपेरिमेंट में जो चार क्वांटिटी हैं a b c d 1%, 2%, 3% और 4% एरर के साथ मेजर की जाती हैं, और कोई अन्य कोई अलग क्वांटिटी p ऐसे है जिसमें a स्क्वायर और b का पावर 5 अपॉन c स्क्वायर इंटू d ऐसे इन्वॉल्व है a b c d। तो हमको बताना है कि जो p क्वांटिटी है इसमें कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा। ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, किसी प्रयोग में चार राशियां ए बी सी तथा डी का मापन 1%, 2%, 3% तथा 4% त्रुटि के साथ किया गया है। राशि पी को निम्न प्रकार मापा जाता है, कैसे? पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 5 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी। तो पी में कितना प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा? तो आपको पता है कि जब हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में काफ़ी रूल पढ़े थे, तो उन सभी रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देख लेते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। हमको पता है कि जब हम एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था किसी क्वांटिटी को हमने ऐसे लेते थे तो जेड इज इक्वल टू ए अपोन बी। जब ऐसे लिया था, अगर हम इसका रिलेटिव एरर निकाल लें, डेल्टा जेड अपोन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपोन ए प्लस डेल्टा बी अपोन बी करके हम लोग निकालते थे। और अगर हम इसको परसेंटेज एरर में निकाल लें तो हम सीधा जो रिलेटिव एरर होता था उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो इसका परसेंटेज एरर अगर हमको बनाना है तो ऐसे कर दिया करते थे हम लोग, डेल्टा ए अपोन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपोन बी इंटू 100। तो इसी फॉर्म को, इसका डिवीजन का फॉर्म और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो क्वांटिटी दी हुई है उसको लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 5 अपोन सी स्क्वायर डी। तो हमको ये जो p है इसमें ये देखना है कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका रिलेटिव एरर फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा पी अपोन पी इज इक्वल टू कैसे होगा, ए स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाती है इसमें, डेल्टा ए अपोन ए प्लस ये ऐसी 5 आगे आ जाएगा डेल्टा बी अपोन बी। जैसा कि हमने प्रूव करा था किसमें, एरर एनालिसिस में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर सारी चीज़ हमने प्रूव करी थी। प्लस ऐसे इसको लिखेंगे हम लोग 2 डेल्टा सी अपोन सी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा डी अपोन डी। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें डेल्टा पी अपोन पी, इसका हमको परसेंटेज एरर निकालना, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इधर सभी में सभी के साथ हो जाएगी। 2 डेल्टा ए अपोन ए इंटू 100 प्लस 5 डेल्टा बी अपोन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपोन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपोन डी इंटू 100। तो हमको ये जो दे रखा है डेल्टा ए अपोन ए इंटू 100, हमको क्या दे रखा है, जो पहला फिजिकल क्वांटिटी था क्या ए, जब ए को मेजर करा था तो ए का जो परसेंटेज एरर आया था इसमें 1% आया था, तो वही हमारे पास आ गया। ये जो टोटल है ये ए का परसेंटेज एरर है, किसका, ए का। ये जो टोटल है ये बी का परसेंटेज एरर है, ये सी का परसेंटेज एरर है और ये डी का परसेंटेज एरर है। तो अब हम ए बी सी और डी क्वांटिटी में जितने परसेंटेज एरर आए थे अगर उन वैल्यूज को इधर रख दें हम लोग, तो हम लोग फाइनली जो क्वांटिटी पी है उसमें कितना परसेंटेज एरर आया है हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, तो डेल्टा पी अपोन पी, डेल्टा पी अपोन पी इंटू 100 इज इक्वल टू, तो 2 इंटू डेल्टा ए अपोन ए इंटू 100, इसमें कितना परसेंटेज एरर आया था, 1% आया था, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस ऐसी 5 डेल्टा बी अपोन बी में कितना आया है, 2% आया है, तो इसको 2 लिख देंगे प्लस 2 ऐसी डेल्टा सी में कितना आया है, 3 इसमें कितना आया, 4% आया है,
तो डेल्टा पी अपोन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 5 2 10 प्लस 2 3 6 प्लस 4। डेल्टा पी अपोन पी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 6 18 और 4 कितना हो गया 22। तो फाइनली हमारे पास जो परसेंटेज एरर आया है किसमें, पी में, जो पी फिजिकल क्वांटिटी थी इसमें जो परसेंटेज एरर आ गया है कितना आ गया है, 22% आ गया है। तो देख लेते इसमें कौन सा है, 12 नहीं है 22, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन कौन सा है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में जो पी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है जिसमें ए बी सी डी क्वांटिटी ऐसे इन्वॉल्व हैं, इसमें जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितने का आ जाएगा, 22% का आ जाएगा। ऐसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर इज 3% देन द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ स्पेयर विल बी। हिंदी में लिखा हो किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी। तो देख लेते इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमको दे रखा है कि कोई भी जो स्फीयर है जब उसको हम लोग रेडियस का मेजरमेंट करते हैं तो उसके रेडियस में 3% का एरर आ जाता है। तो रेडियस में कितना है, डेल्टा आर अपोन आर इंटू 100 कितना दे रखा हमको, 3% का एरर दे रखा है। और हमको बताना है कि इसमें इसके एरिया में कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा। तुमको पता है वी नो द एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, छोटा ले लेते हैं 4πr² होता है। और हमको इसके एरिया के मेजरमेंट में देखना है कि कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो करते पहले की तरह ही कैसे लिख देंगे इसको, रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा ए अपोन ए इज इक्वल टू 4π, तो कॉन्स्टेंट है और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको यहाँ पे हम लोग लेते नहीं, तो 2 आगे आ जाएगा इंटू डेल्टा आर अपोन आर हो जाएगा, इसका आर का पावर जो 2 है ये आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा इसका रिलेटिव एरर, डेल्टा आर अपोन आर। इसके बाद इधर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपोन ए अगर इसका हम लोग परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, 2 डेल्टा आर अपोन आर इंटू 100। तो डेल्टा ए अपोन ए इंटू 100 ये किसका हो गया, जो एरिया है उसका परसेंटेज एरर हो गया, किसका, एरिया का। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा आर अपोन आर इंटू 100, इसका वैल्यू हमारे पास है कितना है, 3%। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6%। तो हमारे पास फाइनली जो स्फीयर का जो एरिया है उसमें हमारे पास जो परसेंटेज एरर आया है वो कितना आ गया है, 6% आ गया है। इसको हम लोग प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा है, बी। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा कौन सा ठीक होगा, बी आंसर इसका ठीक होगा।